डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जुमले के अज्जाए तरकीबी। यानी मैं आज आपको बताऊंगी कि जुमला क्या है और उसके कितने हिस्से होते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके लिए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुमला क्या है। जुमला अल्फाज का मजमुआ है, यानी ऐसे जब लफ्ज मिलते हैं ना आपस में तो वो आपके पास एक जुमला बन जाता है। जिस तरह ये अली अली ने खाना खाया। अब इसमें देखें, अली ने खाना खाया। अली अलग लफ्ज है, ये भी अलग लफ्ज है, ये भी, यानी चार लफ्ज है। और जब ये चारों अल्फाज जब मिलते हैं हमारे पास तो वो क्या बनता है, एक जुमला जुमला बन रहा है। अली ने खाना खाया, तो यही बात यहाँ पे, यानी अल्फाज का मजमुआ क्या कहलाता है, जुमला कहलाता है, जिससे हमें बात समझ। अब मैं अकेला अली बोलूंगी, खाना बोलूंगी, खाया बोलूंगी, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं पूरा जुमला कहूंगी अली ने खाना खाया, तो इसका मतलब है कि बात आपको समझ आ गई है कि अली ने खाना खाया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जुमला। तो इसी की तारीफ हुई कि अल्फाज का मजमुआ, यानी जिसकी बात हमें आसानी से समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जुमले के अज्जा। जुमले के कितने अज्जा हैं, दो अज्जा हैं। नंबर एक मसनद अलैह, नंबर दो मसनद। मसनद अलैह जो है वो इसम होता है, यानी जो काम करने वाला है, यानी किसी भी वैसे शख्स का नाम हो सकता है वो इसम, यानी किसी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, वो इसम कहलाता है। तो यहाँ पे मसनद अलैह हमेशा क्या है, इसम होगा। और मसनद क्या है, इसम भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। फेल क्या है, यानी कोई एक्शन करना, जैसा खाना, मारना, पीना, ये सारे एक्शन ही हम कर रहे हैं ना, जैसा मैं खड़ी हुई हूँ तो खड़ा होना, बैठना, ये सारे एक्शन है। तो ये है फेल कहलाता है, यानी कोई काम करना। अब इसकी मिसाल, इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे, अली गया। तो इसमें देखें, अली अलग है और गया अलग है, यानी ये पूरा एक जुमला है। अब उस जुमले के हम हिस्से समझ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास अली एक अलग चीज है और गया एक अलग चीज है। अब अली क्या चीज है, वो मसनद अलैह है, यानी इसम है। अली क्या है, नाम है ना किसी का, तो इसम हम उसको ही कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मसनद अलैह हमेशा इसम होता है, तो अली हमारे पास मसनद अलैह है। और गया क्या है, एक्शन हो रहा है, कोई फेल है ना, कोई एक्शन हो रहा है, तो गया, आया, बैठा, पिया, खाया, तो यहाँ पे गया है। तो गया क्या चीज है, मेरे पास मसनद है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि मसनद लय जो है वो इसम होता है, और मसनद जो है वो इसम भी हो सकता है या फेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेल है, क्योंकि किसी के नाम वगैरह तो नहीं है या किसी सिफत को नहीं बयान कर रहा, बल्कि क्या है, कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फेल है। अब इसकी एक और तारीफ भी हो सकती है कि मसनद लय किसको कहते हैं, यानी जिससे ताल्लुक हो, यानी अली से ताल्लुक है, किससे ताल्लुक है, गया है। और गया क्या चीज है, जिसका ताल्लुक हो वो क्या कहलाता है, मसनद। मसनद की तारीफ ही होगी कि जिसका ताल्लुक, यानी अब ये दोनों चीजें जब मिलेंगी, मसनद अलैह और मसनद, तो क्या कहलाएगी इसको, हम ग्रामर या कवायद के रूप से असनाद भी बोलते हैं, यानी जिसमें मसनद अलैह भी हो और मसनद भी हो, वो जुमला भी कहलाएगा और ग्रामर के रूप से उसको हम असनाद भी कह सकते हैं। यहां तक दोबारा एक दफा बता रही हूं कि जुमला अल्फाज का मजमुआ, इसके दो हिस्से हैं, एक मसनद लय और दूसरा मसनद है। ये इसम भी हो सकता है, ये इसम होता है, और ये मसनद इसम भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। अब इसी तरह जुमले की हम आगे पढ़ेंगे कि जुमला इस्मिया क्या होता है और जुमला फेलिया क्या होता है। जुमला इस्मिया नाम से जाहिर है, इस्मिया है ना, तो जुमले के आपको पता है अभी हमने दो हिस्से पढ़े हैं, मसनद अलैह पढ़ा है और मसनद पढ़ा है, तो यहाँ इस्मिया भी हुई है ना, कि ये जो दोनों हिस्से हैं वो हमारे पास क्या है, इसम है। मसनद अलैह भी इसम होता है और मसनद भी इसम होता है, वो क्या कहलाता है, जुमला इस्मिया। तो इसकी तारीफ कुछ यूं हुई कि जुमला इस्मिया जिसमें मसनद अलैह और मसनद दोनों इसम हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। अब मैं इसकी मिसाल मिसाल से वजाहत करती हूँ। अलीना अक्लमंद है, अलीना देखिए किसी का नाम है, अलीना हमारे पास क्या है, मसनद अलैह और अक्लमंद। अक्लमंद भी इस तरह, क्योंकि सिंपल बात हुई भी, वो किसी उसकी खूबी को, सिफ्त को बयान कर रहा है, तो वो क्या है हमारे पास, मसनद है। तो मसनद भी यहाँ पे इसम है, मसनद अलैह भी इसम है, यानी कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपल उसकी खूबी बताई हुई है। जैसे हम कहेंगे कि अलीना बहादुर है, अलीना चलाक है, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे भी क्या है, अक्लमंद, यानी सिंपल है, इसम है और है जुमले को, यानी है क्या चीज है, वो है फेल नाकिस। अब फेल नाकिस का क्या काम है, ये जमाने को जाहिर करता है। जैसे मैं कहती हूँ अलीना अक्लमंद थी, या अलीना ने
Alina Zaheen thi, ya Zaheen hai, to hai, tha, thi. Yeh, jo zamane ko zahir kare, woh humare paas kya hota hai? Fail, naqis. Ab hum, isi tarah pehle, iske azam baad mein dekhte hain, pehle yeh jumla fail hiya. Kyunki dono ki ek saath samajh aa jaye. Yani jumla ismiya woh jisme masnad lae aur masnad ism ho, jumla ismiya kehlata hai. Dekhiye, iske naam se zahir hai, fail hiya. यानी इसमें एक मसनद अलैह जो है वो इसम होता है और मसनद फेल होता है इसमें एक्शन आ जाता है इसमें देखिए सिंपल बात ही अक्लमंद और यहाँ पे क्या है अलीना खेलती है यानी एक्शन कर रही है ना खेल रही है वो खेलती है पढ़ती है रोती है ये सारा जो भी एक्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा जुमला फेलिया अलीना इसमें देखें मसनद अलैह है यानी इसम है नाम ही उसका है कोई और नाम भी यहाँ पे हो सकता है किसी भी शख्स का मसनद खेलती क्या है एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मसनद हमारे पास क्या है फेल है इसी तरह है क्या चीज़ है अभी आपको बताया है कि है जो है वो जमाने को जाहिर करता है और उसको हम किस टर्म का नाम दे देते हैं फेल नाकिस अब इसके अज्जा पढ़ेंगे तीन अज्जा हैं जुमला इस्मिया के मसनद अलैह मसनद फेल नाकिस अब इसकी और भी नाम है देखें अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मसनद अलैह जो है वो इसम भी उसको हम कह सकते हैं या हम उसके लिए मुब्तदा का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं यानी जो काम करने वाला होता है मसनद अलैह इसम मुब्तदा और मसनद जो है वो हमारे पास फेल होता है यानी यहाँ पे हमें खबर एक्शन ही है ना खेलता है रोता है बैठा है सोया है वो फेल है तो यहाँ पे इसको हम खबर का नाम भी देते हैं यानी ये इसके तीनों नाम एक ही के हैं मसनद अलैह का इस्म भी कहते हैं मुब्तदा भी कहते हैं जबकि मसनद को हम फेल भी कह सकते हैं या खबर भी कह सकते हैं अब लास्ट है फेल नाकिस अब फेल नाकिस का कोई और नाम तो नहीं है लेकिन इसकी तारीफ में अगर आ जाए तो ये क्या है ये जमाने को जाहिर करता है इसके तीन अज्जा हैं अब देखें जैसे आपकी किताब पे हैं मिसालें अकबर बहादुर है तो इसमें अकबर का लफ्ज देखें अकबर हमारे पास क्या है मसनद अलैह बहादुर क्या है मसनद है क्योंकि बहादुर भी उसकी सिर्फ बयान की गई है तो यानी इसम ही है और है क्या है फेल नाकिस फिर इसी तरह है जैद बुजदिल है अब देखें जैद बुजदिल है तीन चीजें हैं तीन अज्जा मैंने आपको बताया तो तीन ही चीजें हैं तो जैद क्या है कोई नाम है इसम है तो इसम को हम दूसरा नाम मैंने क्या बताया मसनद अलैह यानी जो जुमले के अगर हिसाब से हम देखें तो बुजदिल भी उसकी वही बयान हो रही है ना खूबी की क्या है उसमें बुजदिल ये भी हमारे पास इसम है तो इसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या है मसनद और है फेल नाकिस क्योंकि ये हम जुमला इस्मिया कर रहे हैं तो इसके लिहाज से ये देखें मसनद अलैह और मसनद दोनों इसम हैं जैद भी नाम है इसम है बुजदिल भी इसम है तो ये क्या हुआ जुमला इस्मिया आखिरी है लड़के चालाक हैं अगर देखा जाए लड़के चालाक हैं लड़के क्या है मसनद अलैह चालाक क्या है वो मसनद है वो भी इसम ही है ना चालाक इसमें कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा उसके वो इस खूबी बयान की जा रही है इसी तरह है जो है वो हमारे पास जमाने को जाहिर कर रहा है फेल नाकिस तो ये सारी मिसालें किसकी थी जुमला इस्मिया की यानी जुमला इस्मिया वो जुमला जिसमें मसनद अलैह और मसनद दोनों इसम हो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं जुमला फेलिया जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि इसमें मसनद अलैह इसम और मसनद फेल होता है इसमें एक्शन आ जाएगा इसमें जबकि सिंपल बात की जाती है उसकी कोई खसूसियत या खूबी बयान की जाती है अब इसके अज्जा हम देखेंगे मसनद अलैह मसनद मफूल इसमें मसनद अलैह को जैसे कि हमने पढ़ा है इसम भी कह सकते हैं मुब्तदा भी कह सकते हैं और फाइल भी यानी इसके चार नाम हो गए मसनद अलैह वही होता है जो काम करने वाला है जिस तरह अली ने खाना खाया तो अली इसमें क्या है काम करने वाला यानी फाइल है अब देखिए सलमा ने पढ़ा एक्शन हो रहा है ना उसने पढ़ा है तो सलमा इसमें क्या आ जाएगा मसनद अलैह है और मसनद इसमें फेल है यानी ये एक्शन हो रहा है ये फेल है पढ़ा है तो ये कौन से जुमले की मिसालें हैं फेलियर जिसमें एक्शन होगा कोई वो काम कर रहा होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जुमला फेलियर
तो इसमें फाइल क्या है? सलमा, काम करने वाली. फाइल भी कह सकते हैं, इसका एक और नाम जो है मसनद अलैह है, इसको हम इसम भी कह सकते हैं या मुक्तदा भी कह सकते हैं. ये चारों नाम इसी के हैं. इस तरह जो मसनद है उसको हम फेल भी कह सकते हैं, और मसनद जो है वो हमें खबर दे रहा होता है. जिस तरह यहाँ पे क्या है, पढ़ा, खबर ही दे रहा है ना, पढ़ा, बैठा, सोया, ये चीज. अब आगे नेक्स्ट है मफूल. मफूल क्या चीज होती है? जिस पर काम हो रहा हो. इस जुमले में तो देखें किसी पे काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये है ही छोटा सलमा ने पढ़ा. तो अब मफूल वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिखी है वो ये है, अली ने खत लिखा. अब अली क्या है? मसनद अलैह है, यानी इसम है, यानी इसम है ना, किसी का नाम दिया हुआ. खत लिखा, पहले हम फेल देखेंगे. फेल क्या जब, यानी मसनद अलैह भी हमने कर लिया. अब मसनद ढूंढेंगे कि मसनद इस जुमले में क्या है, एक्शन कौन सा हो रहा है. अली ने खत लिखा, एक्शन ये हमारे पास लिखा, ये मसनद है. अब पीछे रह गया खत. खत क्या चीज है? मफूल, यानी जिस पे काम हो रहा हो. इस पे काम हो रहा है ना कि क्या चीज लिखी है खत. अब जिस तरह हम कहेंगे कि ये भी हो सकता था कि सलमा ने किताब पढ़ी, तो इसमें किताब हमारे पास क्या होता, मफूल, यानी जिस पे काम हो रहा हो. अब आपकी किताब में देखिए, आदिल जहीन था, ये हमारे पास आदिल जहीन था. इसी तरह किताब में एक और एग्जाम्पल दी हुई, आयशा रोती है. अब देखें इसमें हमने फर्क करना है, जुमला इस्मिया क्या है और फेलिया क्या है. आदिल जहीन है, सिंपल बात की गई है, ये भी इसम है और ये भी इसम है. तो ये किसकी एग्जाम्पल है? जुमला इस्मिया की. आयशा रोती है, आयशा रोती है, एक्शन हो रहा है, तो एक्शन किस में होता है? हमेशा फेलिया में. तो ये है जुमला फेलिया. अब आपने क्या करना है होमवर्क में, इसी तरह जुमला इस्मिया के कोई चार पांच जुमले लिख के, बल्कि आपकी किताब पे भी 76 पेज पे ये गिवन है, आप ये जुमले, वो पढ़ता था, आयशा रोती थी, मैं खाना खाता हूँ, ये जुमले दिए हैं आपने. इसके खुद बताना है कि कौन सा जुमला इस्मिया है और कौन सा जुमला फेलिया है, ये आपने खुद रफ कॉपी पे करने हैं. थैंक यू.